हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग जानेंगे डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ है क्या, इसके डिफेंस मिशन के बारे में, रक्षा तकनीक के बारे में, तो आप पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। डीआरडीओ मिशन और डीआरडीओ है क्या, मैंने इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया, आप पूरी वीडियो देखिए। रक्षा तकनीक तथा डीआरडीओ के महत्वपूर्ण मिशन, अग्नि मिसाइल तथा उसके विभिन्न संस्करण, पृथ्वी मिसाइल, अन्य मिसाइल एवं उनकी मारक क्षमता। अग्नि मिसाइल तथा उसके विभिन्न संस्करण के बारे में पहले इस वीडियो में जानेंगे, आप पूरी देखिए। बैलिस्टिक मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला को भारत के डीआरडीओ द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया। अग्नि मिसाइल के 5 वेरिएंट अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 तथा अग्नि 5 अग्नि मिसाइल का सबसे नया अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल संस्करण है। और भी इस वीडियो में हम लोग विभिन्न संस्करण जानेंगे, आप देखते जाए। अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 1 कम दूरी या मध्यवर्ती रेंज, शॉर्ट और इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी परीक्षण पहली बार मई 1989 में उड़ीसा के तट से दूर चांदीपुर से किया गया था। इस मिसाइल में एक ही इंजन होता है। मिसाइल 1000 kg, एक पारंपरिक परमाणु पेलोड अथवा एक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर के बीच होती है। अब हम लोग अग्नि 2 के बारे में बात करेंगे। अग्नि 2 एक मध्यम दूरी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें 2 ठोस ईंधन चरण होते हैं। इसका अप्रैल 1999 में IC-4 पेड से परीक्षण किया गया। परमाणु सक्षम अग्नि 2 का परीक्षण मई 2010 में एक विशेष सामरिक कमांड फोर्स द्वारा किया गया। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक है। ये चीन के अधिकांश पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों तक पहुँच सकती है। अब अग्नि 3 के बारे में हम लोग बात करेंगे। अग्नि 3 का परीक्षण व्हीलर द्वीप से जुलाई 2006 में किया गया, लेकिन यह फेल हो गया था। अप्रैल 2007 से इसका सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को दुनिया में इंटरमीडिएट रेंज की सबसे सटीक रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक माना जाता है। अग्नि 3 की रेंज लगभग 3000 किलोमीटर से अधिक है। अब अग्नि 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। अग्नि 4 जो है वो भी बहुत अच्छी। अग्नि 4 2 चरण की परमाणु सक्षम मध्यवर्ती रेंज और बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 800 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। मिसाइल की अधिकतम रेंज 4000 किलोमीटर है। अब हम लोग और भी कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। नेविगेशन और नियंत्रण। अग्नि श्रृंखला उड़ान नियंत्रण और नेविगेशन के लिए एक स्ट्रेप डाउन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS का उपयोग करती है। इन मिसाइलों में स्वदेशी रूप से विकसित इनर्शियल सेंसर मौजूद होता है। यह सिस्टम INS उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर, गति देने वाले उपकरण और सेंसर को जोड़ता है। TDOA द टाइम डिले ऑफ अराइवल सिस्टम लगातार मिसाइल की उड़ान की स्थिति और गति पर अपडेट प्रदान करता है। और भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्रणोदन, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोपल्शन। अग्नि 1 को ठोस ईंधन के एकल चरण इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। अग्नि 2 ढाई चरण के ठोस प्रणोदक इंजन द्वारा संचालित होती है, जबकि अग्नि 3 और अग्नि 4 2 चरण के ठोस प्रणोदक इंजन द्वारा संचालित होती है। अग्नि 5 अग्नि 5 के नाम से एक ठोस ईंधन वाली 3 चरण की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर चुका है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली 3 चरण की ठोस प्रणोदक मिसाइल है। 5000 किलोमीटर की रेंज का उपयोग कर अग्नि 5 चीन को लक्षित करने वाली भारतीय सेना द्वारा विकसित पहली मिसाइल है। और भी हम लोग इसमें जानेंगे, देखते जाए आप वीडियो को। पृथ्वी मिसाइल के बारे में अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वो कितने मिसाइल थे। पृथ्वी 1 भारत की पहली कम दूरी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सोवियत SA-2 से प्राप्त की गई मिसाइल की तकनीक से 1983 में इसका विकास प्रारंभ हुआ। पृथ्वी 1 एकल चरण तरल ईंधन वाली मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर है। ये 1000 किलोग्राम का अनुमानित पारंपरिक पेलोड ले जा सकती है। इस मिसाइल को भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल के प्राथमिक वॉरहेड परमाणु या उच्च विस्फोटक सामग्री, इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर है। इसे जुलाई 2013 तक नए प्रहार मिसाइलों के रूप में बदल दिया गया है।
इस मिसाइल का परीक्षण 27 जनवरी 1996 को किया गया तथा औपचारिक रूप से 2003 में सेवा में लाई गई थी। ये वर्तमान में भारतीय वायु सेना के अधिकार क्षेत्र में है। वर्तमान में क्या है कि भारतीय वायु सेना के अधिकार क्षेत्र में है। पृथ्वी 2। अब हम लोग नाग के बारे में बात करेंगे। नाग तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लेस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे भारत के स्वामित्व वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये मिसाइल भारतीय थल सेना और हवाई बलों दोनों के लिए उपयुक्त है। नाग को भूमि और वायु आधारित प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जाता है। नाग के भूमि आधारित प्लेटफॉर्म नामिका नामक व्हीकल में जोड़ा गया था। नाग के वायु आधारित प्लेटफॉर्म हिलीना हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग में जोड़ा गया। सागरिका मिसाइल। इस मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया गया। भारत ने 2007 में सबम सर्विल प्रोटोन लॉन्चर किया से सागरिका का परीक्षण किया। इस ये समुद्र से निशाना दागने तथा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये आमतौर पर लगभग 500 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकती है तथा ठोस ईंधन का उपयोग करती है। ये थी सागरिका मिसाइल। धनुष मिसाइल। धनुष पृथ्वी 2 का संस्करण है। एक जहाज आधारित बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। ये आमतौर पर 500 किलोग्राम पारंपरिक पेलोड ले जाता है। ये धनुष की रेंज लगभग 400 किलोमीटर है। इस मिसाइल का उपयोग विशेष रूप से भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। भारतीय नौसेना एक लंबी दूरी का संस्करण विकसित करना चाहती है ताकि नौसेना जमीनी लक्ष्य पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। अब हम दूसरे मिसाइल प्रहार मिसाइल। प्रहार मिसाइल प्रहार जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता करीब 150 किलोमीटर तक है। ये कई तरह के वारहेड ले जाने में सक्षम है। इसका वजन 1280 केजी है। इसे DRDO ने 2 साल से कम समय में विकसित किया। ये मल्टी बैरल रॉकेट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बीच गैप को कम करती है। अब हम लोग आगे के मिसाइल के बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो आप देखते जाएं। ब्राह्मोस मिसाइल। 28 अप्रैल 2002 को भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया। ये धमनी की गति से भी तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसका निर्माण रूस के सहयोग से किया। ब्राह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी से के नाम पर रखा गया। अब हम लोग ब्राह्मोस हाइपरसोनिक वेरिएंट के बारे में जानेंगे। ब्राह्मोस के सुपरसोनिक संस्करण के अलावा भारत और रूस इस मिसाइल के हाइपरसोनिक संस्करण पर कार्य कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ब्राह्मोस 2 को रेमजेट वर्जन के बजाय स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित किया गया। मिसाइल को हाइपरसोनिक रूप में बदलने के लिए 5 मेक तक ही रफ्तार की आवश्यकता है। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सेक्शन में जाके